खुश आमदीद। और अब वक्त है कि मैं आपकी मुलाकात कराऊं अपने आज के मेहमान से। कयास बैंड एक ऐसा बैंड है कि जिसके साथ ये परफॉर्म करते हैं और जिसके साथ यकीनी तौर पर ये एज लीड गिटारिस्ट जो है वो चलते हैं। सरमद ने लेकिन बहुत सारे और ऐसे हिट और फेमस सॉन्ग्स हैं जिनके अंदर अपनी परफॉर्मेंस दी है, और वो सॉन्ग्स शायद आपके जहन में हो जिसमें दूरी, कुछ इस तरह से, कह भी दो, वही शाही, और ये तमाम सॉन्ग्स जो हैं ये शामिल हैं, और आदत जिसमें आपने इंस्ट्रूमेंटल आदत भी प्ले किया हुआ है। सरमद गफूर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप? मुझे लग रहा है बिल्कुल एक टीनेजर के कमरे में नहीं जैसे आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। आज मुझे अपना सेट जो बिल्कुल वैसा लग रहा है। बस ये काफी, मैं इक्विपमेंट लाया हूँ आपको, इंशाल्लाह मैं नई नई चीजें सुनाऊंगा। अच्छा, जबरदस्त। नेवर डन बिफोर ऑन पाकिस्तान टेलीविजन। वाओ, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये शौक कैसे पड़ा था आपको, कैसे हुआ था? शौक बेसिकली मेरे भाई हैं जो कि गिटार बजाते हैं, उनका एक बैंड है साजिद एंड जीशान। हाँ जी, वो गाते हैं इंग्लिश में, उनका एल्बम भी आया हुआ है माया रिकॉर्ड्स के साथ, तो काफी क्रिटिकली एक्लेम्ड है। तो भाई मेरे बजाते हैं थे गिटार, तो उनको देखा तो थोड़ा सा शौक चढ़ा था। वैसे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, भाई मुझे कह रहे थे गिटार मेरे लिए बजाओ ताकि मैं ऊपर कोई सोलोज वगैरह बजाऊं, तो इस तरह मुझे शौक पड़ा था। फिर उसके बाद कितनी उम्र थी उस वक्त? मैं उस वक्त था अराउंड 16, 16 साल का। हाँ जी। अच्छा, तो वो मैं तो समझ रही थी कि खासी कोई 6-7-8 साल की उम्र में कोई आसार नजर आ जाते होंगे कि म्यूजिशियंस के किसी बड़े ही कोई कमाल किस्म के उन्होंने कोई काम करने हैं आगे, कुछ ऐसे होता? आई डोंट नो कि मेरा कोई टैलेंट था या नहीं था, बट मैं तो डिस्कवर किया था। मतलब आप सुर में रोते नहीं थे क्या बचपन में, या कुछ पता चले आप हाथों के साथ बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे लेट के करते हो? पता नहीं। इसके कुछ कह नहीं सकता। What makes a guitarist? क्या चीजें होती हैं जो एक गिटारिस्ट में बहुत जरूरी होती हैं? गिटारिस्ट में वैसे तो आई मीन हर चीज में जरूरी होती है। नेचुरली आप डिसिप्लिन होने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, नेचुरली टैलेंट होना चाहिए, तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे बनता है एक अच्छा गिटार प्लेयर। It has something to do with fingers and fingertips as well. जी बिल्कुल, you when you're playing to you play with your fingertips, left hand can usually if you're right handed. तो इसका मतलब है उंगलियों में कोई जादू होता है ना? उंगलियों में जादू है ना? कुछ ऐसा आपको लगता है, कुछ आपकी उंगलियों को फर्क है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है, कोई भी सीख सकता है गिटार। सही, हां जी, कोई भी सीख सकता है, डोंट हैव टू बी स्पेशल। नहीं, अच्छा बिल्कुल। तो फिर सारे लोग क्यों नहीं सीख पाते, और सारे लोग क्यों नहीं सीखते? शौक नहीं होता है। हाँ जी। और अगर सीख भी लें तो सारे लोग एक सर्टेन लेवल से बियॉन्ड नहीं जा सकते? वो उसमें काफी फैक्टर्स होते हैं। जिंदगी में आपको पता है कि सक्सेस जो है ना वो टैलेंट पे नहीं होता नेसेसरली, लक का काफी काम होता है जिंदगी में। आई मीन काफी ज्यादा जो बहुत टॉप आर्टिस्ट हैं वो दे नॉट necessarily very talented या बहुत ही अच्छा, virtuous का बड़ा काम होता है, hard luck का भी बड़ा काम है। hard luck के काम होते हैं वो जो रह जाते हैं नहीं, उनके साथ उमन जो लोग successful होते हैं they have hard luck। I mean hard luck mean कि जो लोग bad time को resist करना, fight करना जानते हैं। बिल्कुल, perseverance जो है ना बहुत जरूरी है। सही सही, इन तमाम चीजों की मौजूदगी से एक बड़ा आर्टिस्ट बनता है, और इन्हीं तमाम चीजों की मौजूदगी से एक बंदा एक बड़ा साइंसदान भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है। सो इसका मतलब है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन डिफरेंस क्या होता है एक आर्टिस्ट का, बीइंग अ पर्सन ब्लेस्ड विद एस्थेटिक्स, म्यूजिशियन एंड म्यूजिकल एबिलिटीज एंड टैलेंट्स, मतलब ये क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि आई मीन खुदा ने हर एक इंसान को बहुत यूनिक बनाया है। आई मीन आप किसी, कोई दो फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं है, किसी कोई दो इंसानों की एक सोच नहीं है। तो इसलिए अगर आप देखें तो हर आर्टिस्ट की भी सोच अलग होती है, हर आर्टिस्ट यूनिक होता है। तो वो जो एक फ्लेवर ऐड करता है लाइफ में, एक वैरायटी लाता है, एंड यही ब्यूटी है आर्ट की। सही। तो आप दोनों भाइयों में मुकाबला होता है? नहीं ये कैसे हो सकता है? वो बस नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? मतलब सिबलिंग राइवलरी तो इतनी ज्यादा होती है? कभी नहीं थी, आई गेस वो शायद थोड़ा सा एज डिफरेंस इतना था कि राइवलरी नहीं थी। हां जी। और दूसरी बात, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड ही इज एन अमेजिंग सॉन्ग राइटर। सो या, सो कभी आपको नहीं लगा कि मैंने अपने भाई से ज्यादा अच्छा करके दिखाना? एब्सोल्युटली नहीं, नहीं। और घर में माहौल कैसा था? घर में माहौल बहुत अच्छा था, अम्मी अबू अल्लाह बख्शे बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। एंड जब आपने गिटार पकड़ा तो कहीं नहीं इतने लगा देखा अब तो बच्चा हाथ से गया, नहीं, अब ये किन कामों में पड़ गया है? On the contrary, they were very supportive because my mother, she used to play the sitar when, अच्छा, yeah, wow. when she was not married. Wow. तो हाँ, तो so how come के you were not influenced by your mother? I mean, I
मुझे तो मेस्मराइज करता है सितार। एक तो चलो वो बजना तो उसका कमाल है ही, उसको लेके बैठने का जो रोमांटिसिज्म है, बिल्कुल एब्सोल्युटली इट्स ब्यूटीफुल। असल में बचपन में जरा अंग्रेजी गाने ज्यादा सुने थे तो उससे जरा इन्फ्लुएंस हो गए थे, मगर अभी लेटली मैं जो बहुत ज्यादा फैसिनेट हुआ हूँ क्लासिकल म्यूजिक से हमारा जो है ना, सही। तो अभी मैंने इनफैक्ट आपकी अकेडमी भी यहाँ पे ज्वाइन की। वाओ, इसका मतलब है कि पहले इंसान माहौल का असर कबूल करता है, जीन्स अपना असर जरा आहिस्ता आहिस्ता दिखाती है। एब्सोल्युटली never thought about it that way. That's right. अब आके when you are becoming mature, तो अब आप अपनी असल पे जो originality या जो आपके अंदर कहीं identity है उसकी उसमें तलाश में। अच्छा, यही जो मसला गिटार के साथ है कि western instrument के तौर पे इसे लिया जाता है, western music में इसे consider किया जाता है। बिल्कुल ये है, बिल्कुल absolutely western instrument है हमारे इसमें, even though बहुत ही versatile instrument है इसमें, अगर आप जाएं काफ़ी गिटार प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडियन क्लासिकल को या हमारे सब कॉन्टिनेंट के क्लासिकल को जो है इनकॉर्पोरेट किया है इसमें और बहुत खूबसूरती से किया, बिकॉज इसमें आप पिच के साथ सब कुछ कर सकते हैं। सही, तो आप इनकॉर्पोरेट कर आप खुद बेसिकली किस उस पे जाते हैं, किस स्टाइल पे जाते हैं? मैंने असल में हमेशा से वेस्टर्न किया है। अच्छा, ठीक है, मगर इट्स ओनली बिन ए ईयर, इनफैक्ट लेस देन ए ईयर कि मैंने वोकल स्टार्ट किए सीखना उस्ताद फतेह अली खान की अकेडमी से। सही, तो मुझे कम टाइम हुआ इसलिए मैं अभी तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सका अपने स्टाइल में। हां जी सही, लेकिन हम आपसे सुनेंगे गिटार भी और बहुत कुछ और जो कि प्ले किया जा सकता है गिटार पे। आप भी हमारे साथ रहिएगा, और अगर आप मैसेज करना चाहें MWF स्पेस आप टाइप करेंगे अपना मैसेज, भेज देंगे 2886 के ऊपर। थोड़ी सी देर के लिए हम रुकेंगे क्योंकि खबरों के लिए हमें चलना है न्यूज स्टूडियो की तरफ, और फिर आएंगे वापस। सरमद गफूर, गिटारिस्ट हैं आप और गिटार के साथ क्या अच्छा खेलते हैं, इसे खेलना ही कहूंगी मैं। बिल्कुल, आप अंग्रेजी में तो यही कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेइंग प्लेइंग ए गिटार। अच्छा, तो आपको खुद कैसा लगता है, एक इनर सेल्फ, एक इनर फील होता है ना, कोई भी काम जब आदमी कर रहा होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, मुझे काफी वक्त से मैं म्यूजिक कर रहा हूं, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो आई लव डूइंग इट बिकॉज़ दिस इज माय फुल टाइम जॉब। सही, अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती है, अब आप पता नहीं उसमें साइकोलॉजिस्ट अगर कोई सुन रहे हो तो वो किस तरह से एनालाइज करेंगे। मुझे एक थोड़े अरसे के लिए बड़ा दिल चाहता है उफ मैंने वायलिन सीखना है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगता है वायलिन टाइम निकाल सकती, मेरे से नहीं हो सकता, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो आप कैसे हुआ कि पैशन जो है वो डाई डाउन नहीं हुआ, वो किसी वक्त खत्म नहीं हुआ, एंड यू जस्ट केप्ट ऑन मूविंग? राइट, नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। असल में पर्सनली मेरे ख्याल है, आई मीन अभी भी आई एम रियली रियली पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मगर आई कांट डू इट बिकॉज आई डू नॉट हैव द टाइम फॉर इट। And I think you have the same problem. ये combination बड़ा बहुत अजीब है, I know. बहुत अजीब है, but ये combination तो क्या कहते हैं, flawed है, काफी flawed destined to be. तो ये कैसे हुआ कि गिटार बजाते हुए mathematics and computers वगैरह, चलो computer तो फिर भी समझ आती है, exactly, some repo है, exactly, and mathematics का भी है कोई? Mathematics का बहुत, असल में music जो है mathematics पे based है, आपका जो time होता है ना उसकी, तब भी मुझे नहीं आता। अच्छा, मुझे समझ आया, ये मैथमेटिक्स तो हर जगह आपको पता है, आर्ट में भी, पेंटिंग में भी, हर एक चीज में। हाँ, आजकल तो, मुझे जुनेद जमशेद का वो पुराना गाया हुआ गाना बड़ा, वो ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, सो अब ना मैथ्स आएगा ना म्यूजिक आएगा। मैथ्स आने की उम्र तो गुजर गई और म्यूजिक जो है वो इसीलिए नहीं फिर आता। सही बात है। अच्छा, एजुकेशन का जो क्या कोई बैर है म्यूजिक के साथ, के बाज़ औक़ात जो लोग इन काम इसमें पढ़ते हैं वो कुछ पढ़ने वढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देते? नहीं, पहले ट्रेंड होता था क्योंकि पहले नेचुरली प्रोफेशनली लिया जाता था और एक ही घर में रहता था, घराने में रहता था म्यूजिक, तो अब जो है हर एक ने शुरू कर दिया, तो आजकल तो ट्रेंड सही है, आई मीन काफी एजुकेटेड लोग हैं, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, बट हाँ जी, यू आर कॉन्स्टेंटली सरप्राइजिंग मी, अच्छा, बल्कि शॉकिंग मी। राइट, सो बेसिकली किया हुआ था, अम्मी अबू ने कहा था कि पढ़ाई कंप्लीट करो फिर जो करते हो करो, तो मैंने वही किया। अच्छा, अमूमन जो गिटारिस्ट खड़े होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कॉन्सर्ट्स में या बैंड्स में, और लीड गिटारिस्ट खास तौर पे, तो वो उनकी जरा जुल्फें ऐसे होती हैं, कुछ ऐसे करके लगे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि मतलब क्या मामला है और क्या हो रहा है। मेरी भी काफी लंबी जुल्फें थी एक जमाने में, हाँ जी, तो कहाँ गई, बस चली गई, शायद फिर आ जाए।
चली गई या किसी ने कटवा दी? मैंने खुद ही काट दी। अच्छा, काटनी तो खुद ही थी मगर किसी के कहने पे काटनी होती है? नहीं, अपने कहने पे। अच्छा, मन मौजी है, आप जब दिल चाह बढ़ा लिया, जब दिल चाह कटा दिया। सो आई मीन इट हैज आल्सो समथिंग टू डू विद ये खास एक जो गेटा अंदाज। हां, आई गेस सो, बिकॉज़ वो म्यूजिशियंस का कुछ यू एटीट्यूड होता है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तो हां जी, यूजुअली टिपिकली आर्टिस्ट का सारा यही होता है, तो वो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, तो बाल भी लंबे होते रहते हैं मेरे। अच्छा, नहीं कटवाते। तो ये बंदा इसका मतलब केयर करे वो फिर आर्टिस्ट नहीं है? नहीं है, एब्सोल्युटली।